आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में पूरी तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की जबान पर किसान का ही जिक्र है। दोस्तों, आज किसान आंदोलन को हमारे देश में लगभग 70 दिन हो चुके हैं। 70 दिन से अन्नदाता सड़कों पर है, जहाँ लोग दिसंबर और जनवरी की ठंड में अपनी बिस्तर से निकलने को तैयार नहीं होते। वहीं बेचारे किसान 2 महीने उससे ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें सड़कों पर पड़े हुए, लेकिन कोई उनकी सुध देने को तैयार नहीं है। वहीं 26 जनवरी की एक दर्दनाक घटना, एक ऐसी घटना जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो घटना घटी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो किसानों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? वैसे ये किसानों का कहना है कि असामाजिक तत्व थे, कोई ऐसे लोग थे जो देश में जो है दंगा कराकर इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते थे, इस आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहते थे। जहां सरकार का कहना है कि किसान थे, वहीं किसानों का कहना है कि सरकार के ही कोई आदमी थे, लेकिन ये जो भी थे सब कुछ गलत था। दोस्तों, तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगभग 70 दिन किसानों को हो चुके हैं देश में आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। दोस्तों, 26 जनवरी की घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो भी कुछ हुआ, वहाँ पर जो बहुत टिकैत जी के आंसू आ गए और राकेश टिकैत जी रोने लगे, उसके बाद किसानों में एक नया जोश भरा और फिर दोबारा से ये आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया। इसी के बाद पंजाब के जिंद में एक महापंचायत हुई, जहाँ पर जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 6 फरवरी को वो पूरे देश में चक्का जाम करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, आखिर ये कृषि कानून है क्या और इसकी सच्चाई क्या है, दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। किसानों को परेशानी इस बात की है, किसानों को जो है इस बात का है, सोचते हैं, इस बात का दुख है कि कहीं सरकार उन्हें अपना गुलाम ना बना ले, वो कहीं मजबूर ना हो जाए, कहीं सरकार उनसे उनकी ज़मीनें ना ले ले। लेकिन वहीं सरकार का कहना है ये कानून जो है किसानों के हित में है और किसानों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन इस बात को पूरी तरह से सरकार अभी किसानों को समझाने में नाकाम रही है। अगर किसानों का कोई फायदा है तो पूरी तरह से किसानों को इस बारे में समझाना चाहिए, बैठ करके बात करनी चाहिए। और अगर पूरे देश के किसान इस चीज़ को चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए, तो सरकार को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, इन कानूनों को वापस कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कानून सही हैं तो सरकार को पूरी तरह से समझा देना चाहिए, किसानों को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि किसानों में भ्रम है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। और दोस्तों, जब तक पूरी तरह से किसी को कोई बात समझाई नहीं जाती, तब तक समझ में कैसे आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में लगभग मजदूर आदमी और गरीब आदमी ज़्यादा हैं, तो उन्हें इस चीज़ का परेशानी है कि कहीं जो बड़े घराने हैं हमारे, जो हमसे खरीदेंगे, जिनको सरकार जो है ये कानून सौंपना चाहती है, जिनको सरकार अबानी या अंबानी या अंडानी जो भी हैं, जिनको सरकार जिनके हाथ में काम देना चाहती है, जो मान लीजिए छोटा सा फ़र्ज़ कीजिए, छोटी सी बात, जो आलू सरकार किसानों से 5 रुपये किलो लेकर 10 रुपये 15 रुपये किलो खूब आम आदमी को मिल जाते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो लोग कल को किसानों से खरीदेंगे, मान लीजिए 5 रुपये किलो आलू खरीदे और एक महीने उन्हें रोक कर अगर 50 रुपये किलो बेचे जाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह की बातें सरकार को पूरी तरह से बैठकर किसानों से करनी चाहिए, पूरी आम जनता से करनी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और अपनी बात पूरी तरह से किसानों को समझानी चाहिए। दोस्तों, हमारे कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा उनका सामान और फिर बाज़ार में उसको बहुत महंगा बेचा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? बहुत से लोगों की ऐसी राय है, हमने जाना है, जो ये कह रहे हैं किसानों से बहुत सस्ता ख़रीदा जाएगा और उनको जमा करने के बाद फिर वही चीज़ बहुत महंगी करके आम जनता को पहुंचाई जाएगी। अगर ऐसा है तो एक तो जनता वैसे ही गरीबी से और भुखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, आगे को और आम जनता, आम आदमी परेशान हो जाएगा। तो इस तरह के भ्रम अगर ऐसा है तो सरकार को दूर करने चाहिए और पूरी तरह से कानून सरकार जो है आम आदमी को समझाए, किसानों को समझाए, इस तरह से समझाए कि सबकी समझ में ये बातें आ जाए
और इस कानून अगर बिल्कुल सही है तो पूरी तरह से सरकार सही तरह से समझाए लोगों को, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस कानून के बारे में इसको दूर करे। ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन बात सिर्फ किसानों की ही नहीं है। जैसे कि अभी लाल किले पर यह घटना घटी, इस तरह की घटना अगर इसमें झगड़ा हो जाता है, मान लो सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, कोई दंगे हो जाते, तो अभी तो हमारी आम जनता जो है कोरोना की मार पूरी तरह से झेल नहीं पाई है, पूरी तरह से देश कोरोना से उबर नहीं पाया है। और इस तरह का अगर कोई मामला हो जाता, जैसे कि कोरोना में हमारे जो बेचारे मजदूर लोग जो बाहर काम करते थे, उनको रास्ते में बेचारे कोई भूख से मर गया, कोई रेल से टकरा के बेचारा मारा गया, कोई रेलगाड़ी ने मार दिया, तो इस तरह का अगर मामला हो जाता है तो बात सिर्फ किसान की ही नहीं होती, ये पूरे देश की बात होती है, पूरे देश की जीने मरने की बात होती है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान बहुत गंभीरता से और बैठ करके करना चाहिए। दोस्तों, ये मामला किसानों का है और किसान कोई आम चीज़ नहीं है, आम आदमी नहीं होता है। दोस्तों, जहाँ भरी ठंड में हम बिस्तर से निकलना पसंद नहीं करते, वहाँ हमारे किसान भाई खेतों पर पहुँच जाते हैं सुबह और हमारे लिए जो भी कुछ खाने की सामग्री होती है उसको तैयार करते हैं, अपना काम में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के बेटे जहाँ हम सर घरों में सोते हैं आराम से, वो सरहदों पर दुश्मनों की गोली झेल रहे होते हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, किसान ये आम चीज़ है, आम आदमी नहीं होता है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है, और हमें किसानों को जो है पूरी तरह से अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर किसानों की बातों में दम है, किसान सही कह रहे हैं, तो हमें गंभीरता से उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार उनकी बातों को ध्यान से सुनेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की बात सुन रही है और ध्यान से सुनेगी, और जल्दी किसी समस्या का कोई समाधान निकलेगा, हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दिलबर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। बस दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, मिलते हैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, खुदा हाफिज़।